कोई कोई गलती हम देख लेते हैं भाई, कोई संत की देख ली या किसी पुजारी जी की देख ली, ऐसा आ गया मन में तो क्या करें? तो बोले फिर ये सोचना चाहिए, जैसे किसी बच्चे को माता नहला धुला के बढ़िया साज श्रृंगार करके बिठाती है, वो अच्छा सजाया, क्रीम पाउडर लगाया, और उसके बाद उसको नजर नहीं लग जाए, उसके लिए क्या करती है, क्या करती है, सजे सजाए पे बढ़िया क्रीम पाउडर लगे लगाए पे कारो टीको लगा देती है। अब बताओ, एक तरफ तो सजाई और ऊपर से फिर काला वो टिक्का लगा दिया, जानबूझ के लगाया कि ज्यादा सुंदर ना लगे, नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगा दिया। तो अगर कोई भक्त वैष्णव पुजारी कोई किसी के भीतर कोई दोष दिखे ना, तो यही समझ लेना कि भगवान के सब भक्त हैं, सब प्यारे, पर भगवान को लगा ज्यादा बढ़िया ना बनाए, तो एक छोटा सा कोई गलती, मतलब एक काला टीका लगा दिया भगवान ने, नजर ना लग जाए हमारे संतों को, इसलिए ये कमी हमें दिख जो रही है, ये भगवान के द्वारा लगाया गया काला टीका है, इनमें दोष इनका नहीं, भगवान ने इनको काला टीका लगाया, ज्यादा बढ़िया नहीं बनाना, एक आध कोई दोष दे देते, ये भाव रखना तो वैष्णव अपराध से बच जाओगे, नहीं तो महाराज वैष्णव अपराध बड़ा भयानक होता है, बड़ा भयानक होता है। ये जो बातें बताई जा रही है ना, ये उन लोगों के लिए जो भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है, अब बहुत हो गया, एक जगह अटके अटके अब आगे बढ़ना, उनको ये सब काम करने हैं। और जिनको ये है कि नहीं भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही बढ़िया है, तो फिर भैया हमारा कहना ही कोई लाभ नहीं है, पर जिसको भक्ति में बढ़ना वो ये सब ध्यान रखे। एक चीज़ और, ब्रज की इस भूमि से जो भक्तगण अब तक भक्ति करते आ रहे, एक चीज़ और सीखनी चाहिए, मानसी सेवा, चिंतन, मानसी चिंतन हम लोग बहुत कम करते हैं। ब्रज में भी आएंगे तो आंखों से जो दर्शन उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दृष्टि वाला जो दृष्टिगोचर दर्शन होता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर अब हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो आंख बंद करके आंख के भीतर अपने हृदय में ठाकुर जी का चिंतन करिए, मानसी चिंतन, मानसी लीला का दर्शन। भगवान के सामने कभी आंख वैसे बंद नहीं करनी चाहिए, जब दर्शन करने जा रहे हो आंख खोल के दर्शन करो, घर में मंदिर में अगर बैठे हो आंख खोल के दर्शन करो। एक समय जब आप आंख बंद कर सकते हो, जब आपको चिंतन करना, तब आंख बंद करो और तब बाहर की दुनिया से अंदर जाके ठाकुर जी की लीला का चिंतन करो। तो मानसी जो सेवा होती है, मानसिक जो चिंतन होता, उसमें बड़ा रस होता है। और ब्रज भूमि ने तो मानसी सेवा में हमें बड़ा कुछ दिया है। मान लो गिरिराज जी की एक कोई कंदरा का भी अगर आप आंख बंद करके चिंतन करो ना, तो 15-20-50 मिनट तो आप गिरिराज जी की एक कंदरा का दर्शन चिंतन ही कर सकते हो कि कैसे उस पे गैया चल रही है, कैसे वहाँ कमल के पुष्प खिले हुए हैं, कैसे रिमझिम बारिश हो रही है, वहाँ सुंदर सुंदर उड़दा घास लगी हुई है, लता पता, ये सब चिंतन हो सकता है। कितने सारे उपाय हैं, पूज्य भाई श्री का वक्तव्य है या पूज्य राधा बाबा जी किसी एक का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है कि ब्रज के लोगों को तो इतनी सहजता है कि एक यमुना जी के बारे में तुम 2 घंटा सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो। अब यमुना जी ऐसे बह रही है, उसमें साथ साथ में कमल के पुष्प बहते बहते जा रहे हैं, पास में वहां गैया रंभा रही हैं, हिरण नृत्य कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, ये चिंतन करने में ही आपको आधा एक घंटा समय निकल जाएगा। तो चिंतन का बड़ा महत्व, ये चिंतन हमसे होता नहीं, घर वालों का चिंतन तो कर लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी घर का चिंतन कर लेंगे कि 7 दिन छोड़ के आए, पता नहीं घर में क्या होगा, पर यहाँ बैठ करके यहाँ के जो आधिपति हैं उनका चिंतन नहीं बनता हमसे। मानसिक चिंतन बहुत जरूरी है। तो रूप गोस्वामी पाद वही चिंतन कर रहे थे और भगवान की लीला, भगवान कुछ ना कुछ अटकेलियां करते रहते, आज श्री जी के साथ उन्होंने कुछ अटकेली करी, उसको देख करके रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। तो महाराज वहां से खंजन दास जी एक वैष्णव निकल के जा रहे थे, वो विकलांग थे, अब वो हंसे और उसी समय उनका निकलना हुआ खंजन दास जी का, रोनों का हंसना हुआ,
जैसे वो हंसे तो उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया तो हमको देख के हंसती हंसती है, पर ये बाबा भी हमको देख के हंस रहा, मजाक उड़ा रहा हमारा। वैष्णव थे कंचन दास जी, पर उनको लगा हमारा मजाक उड़ा रहे, बस इतना उनके मन में आया। तो कहते हैं कि गोस्वामी जी को वैष्णव अपराध का दोष लग गया, एक वैष्णव के अपराध का दोष लग, जबकि किया ना कुछ भी, पर वैष्णव अपराध हो गया। अब तक रूप गोस्वामी जी आग बंद करके सब दर्शन हो रहा था, सब गायब हो गया, सब लीला चिंतन विलुप्त तो हो गई। अब ऐसे समय में फिर जो ब्रज के और उच्च कोटि के श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, उनसे पूछा कि जी बताइए, बोले आपसे कोई अपराध हुआ है? बोले कैसे पता लगे हमसे किसका अपराध हुआ, अब इतनी भरी भीड़ में हम कैसे पहचाने? एक ही उपाय है, तुम ब्रज के सब वैष्णवों को भोजन के लिए निमंत्रण करो, सब लोग आ जाएंगे, जो नहीं आएगा समझो वो तुमसे रूठा हुआ है और उसी का अपराध हुआ है। तो गोस्वामी जी ने सबको न्योता दिया, खंजन दास जी नहीं आए, समझ गए गोसाई जी की इनका अपराध हुआ, जाके क्षमा मांग। तो पूरी कथा बताई, ऐसे ऐसे आप हंसे, तब समझ आया कि देखो वैष्णव अपराध कितना सूक्ष्म होता है। अब कई बार ऐसा नहीं होता कि एक बार माला करने बड़ा मन लग रहा हमारा, एक बार माला करने हजार बार मन लगा लिया लग ही नहीं रहा, एक बार सेवा करने में बड़ी रुचि आ रही है, एक दिन सेवा का बिल्कुल कदापि मन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई ना कोई भक्त अपराध हुआ। अब फिर हम जी कैसे पता लगाएं? चलो उन्होंने तो अपने तरीके से पता लगा लिया, हमें तो नहीं पता लग रहा किसका अपराध हुआ। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में जो वैष्णव मिल जाए ना, सबसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, कोई भी हो, जो वैष्णव मिला अनजान भी होगा ना तो उससे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए, कि कोई अपराध बन पड़ा हो तो उसके लिए क्षमा। इस तरीके से उस भक्त अपराध को, वैष्णव अपराध को क्षमा किया जाता। तो इसलिए हमने कल ही कह दिया था कि अगर यहाँ भक्ति डबल मिलती है तो यहाँ अपराध भी डबल मिलते हैं, इसलिए उन अपराधों से भी बच के रहना और भक्त संग करना, और भक्त संग यहाँ ब्रज में सहजता से प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर गली हर मोहल्ले महापुरुषों का वास है, सबकी छोटी छोटी कुटिया हैं, भजन कर रहे हैं, रोज बस एक ही काम है, उठो सुबह जाओ मधुकरी मांगो और माधुकरी लेकर के बस आकर। और एक बात और समझिए, ऐसा नहीं ये जो दिखने में एक छोटा सा कोपीन पहने भए महापुरुष होते ना, इनके भीतर जगत का सारा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भरा होता है। एक अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा गिरिराज जी में एक सिद्ध बाबा हुए हैं, ब्रज में कई सिद्ध बाबा हुए हैं, एक रणवारी के सिद्ध बाबा हैं, एक कामवन में सिद्ध बाबा हुए, एक गोवर्धन में सिद्ध बाबा हुए, कृष्णदास बाबा जी। ये कृष्णदास बाबा जी, इनका प्रागट्य तो उड़ीसा में हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर के वंशज उसी वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ है। तो श्री कृष्णदास बाबा जी उस समय के ब्रज के सिद्ध बाबाओं में से सबसे प्रसिद्ध थे। तो एक बार ब्रज में कुछ पंडित आए, बड़े भारी विद्वान पंडित, उन्होंने सोचा कि ब्रज में आकर के, उस समय ब्रज शास्त्रकारों का गढ़ हुआ करता था, अभी भी है पर उस समय और विशेष शास्त्रकार होते थे, जिसने ब्रज के किसी शास्त्रकार पर विजय प्राप्त कर ली ना, उसको सारे भारत में बड़ा सम्मान मिलता था कि इसने ब्रज में जाकर के शास्त्रार्थ करके जीत हासिल कर। तो दिग्विजयी पंडित यहाँ ब्रज में भी अपना आधिपत्य जमाने आ गए, पूछा कि इस ब्रज में सबसे बड़ा सिद्ध ज्ञानी कौन, तो किसी ने बता दिया सिद्ध बाबा, गोवर्धन जी में चले जाओ, आ गए पंडित। पर भजनानंदी साधुओं की एक बात जरूर होती है, ज्ञानी बड़े होते हैं वो, पर वो दिखाते कुछ भी नहीं है, छुपा के रखते हैं अपने आप को। तुम आके पूछो कि बाबा जी कुछ शास्त्र के बारे में बताओ, अरे भैया हमको कहाँ, हमारे लिए तो कुछ ये सब काला अक्षर है, हम कुछ जानते नहीं। तो जैसे वो पंडित लोग आए, क्योंकि वैष्णवों का आभूषण होती है दैन्यता, दैन्य होता है उनमें, सब जानते हुए बोले हम कुछ नहीं पता।
तो कृष्णदास बाबा जी ने कहा, अरे तुम हमसे शास्त्रार्थ करने आए हो, हम तो पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं, लो हम हारे तुम जीते जाओ, घोषणा कर दो सब जगह। पंडित बोले ऐसे थोड़ी मजा है, सचमुच शास्त्रार्थ करके तुमको हराएंगे, ले लो हरा लो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं। तो उन्होंने एक ऋग्वेद का श्लोक सुनाया। अब ऋग्वेद का श्लोक सुनाया, बाबा जी ने सहजता में, सिद्ध बाबा ने उसमें तीन गलतियां निकाल दी, तीन कमी, तीन त्रुटि है। अब पंडित बोले आज तक हमको किसी ने तीन गलती इस हमारे उच्चारण में त्रुटि नहीं, तुम करके दिखाओ उच्चारण। और बाबा महाराज ने, श्री कृष्णदास बाबा जी ने ऐसा उच्चारण किया कि सारे पंडितों की आंखें खुली खुली रह गई, हाथ जोड़ लिए, ले आज तक हमने समग्र भारत में आपके जैसी ऐसी उच्च विद्वता वाला कुछ देखा नहीं। ऐसे सिद्ध बाबा जी पर रहते कैसे, बोले महाराज अच्छा सिद्ध बाबा जी गोवर्धन में आने से पहले जयपुर कुछ दिन चले गए गोविंद देव जी के सेवा में, गोविंद देव जी की सेवा करते थे। अब गोविंद देव जी की सेवा करते तो क्या हुआ, गोविंद देव जी का प्रसाद लेते थे। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये गलती हम भी कभी कभी करते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर का रोज प्रसाद ग्रहण करते और प्रसाद सेवा करते, प्रसाद ग्रहण करते और गोविंद देव जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी इनके मन में बड़ी प्रगल वेग से काम भावना आ गई। अब इनको बड़ा अचंभा हुआ, जो महापुरुष कभी जीवन में काम भाव कभी आया नहीं और गोविंद देव जी की नित्य सेवा कर रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो किसी ने कहा आप एक काम करो, काम में वन कामा में श्री जय कृष्णदास बाबा जी रहते थे, उनसे जाके पूछो ऐसा क्यों हुआ। तो सिद्ध बाबा जी ने उनसे जाके पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे, तब श्री जय कृष्णदास बाबा जी ने सिद्ध बाबा का जो संशय उसका निराकरण किया। क्या निराकरण किया, बाबा बोले देखो बेटा, एक हरे वृक्ष को काट करके पानी में डुबाओ और पानी में डुबा करके बिना उसको सुखाए अगर अग्नि जलाओगे तो वो अग्नि पकड़ेगा नहीं, वो गीला है भीतर से, पहले उसे कुछ दिन सूखने दो तब जलेगा। अभी तुम थोड़े कच्चे हो, पहले इस ब्रज में रह के अपने आप को थोड़ा सुखाओ कृष्ण भक्ति में, तब तुम्हारे भीतर कृष्ण भक्ति की ज्वाला जगेगी। बोले ठीक है महाराज, वो तो समझ गए, पर अब ये बताइए कि हमारे मन में काम वेग उत्पन्न कैसे हुआ। तब श्री जय कृष्णदास बाबा जी ने कहा, महाप्रसाद वैसे तो चिन्ह में होता है भगवान का, पर कई बार कई विषयों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो प्रसाद किसी राजा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, उसका जो धन जहां से आया है वो विषय का धन होता है, उससे पाने से अगर तुम केवल उसमें खाने का भाव रख के पाते हो तो उससे भी मन में तुम्हारे काम भावना उत्पन्न हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी रहते तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी मंदिर जाकर के प्रसाद पाया करते थे, और ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता लग गई तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले तो डांटा और कहा विषयी अन्य खाए मलिन होए मन, तुम जो अन्न पा रहे हो ना वो विषयों से भो करके आ रहा है। डांट लगाई तो अगले दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, वो सिंह द्वार पर जो लोग थोड़ा थोड़ा अनाज का दाना ला के पानी में डाल जाते, गीला सूखा, जानवर पक्षी आके उसको खाते, रघुनाथ दास गोस्वामी उसको जाके बीनते और उसको पाते। और जब महाप्रभु को ये बात पता लगी कि अब रघुनाथ दास वहां मंदिर में नहीं पाता, अब मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार है उससे दाना इकट्ठा, तो महाप्रभु खुद गए और जाकर के उन्होंने उस अन्न से उस प्रसाद से खुद लिया पाया और बोले नित नित नाना प्रसाद खाई ऐसो स्वाद और कोई प्रसादे न पाई, ऐसा स्वाद हमने कई और प्रसाद में नहीं पाया जितना स्वाद इस प्रसाद में।
तो यही बात जय कृष्णदास बाबा जी ने समझाई। अब इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, हम जैसे कोई संसारी होते हैं, हमको अगर कोई राधा रमन जी जाएं, एक वो भर के मिलता है डलिया, बिहारी जी जाते हैं, एक भर के डलिया मिलती है, कुलिया प्रसाद मिलता है, उसमें बड़े बड़े माल होते हैं, 56 भोग लगे होते हैं, हम बड़े राजी हो जाते हैं, क्या माल आया है, रसगुल्ला भी है, एक कोने में रसमलाई भी है, सब मिलता है, पुजारी जी खूब भर के दे देते हैं। अब प्रसाद नहीं पाओगे तो अपमान हो जाएगा। तो फिर जो अच्छे साधक होते हैं उनकी बात हो रही है, हम जैसे लोग तो जब वैसे ही संसार में इतना विषय अन्न खा लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के प्रसाद में तो क्या देखेंगे। पर जो उच्च साधक होते हैं ना, वो प्रसाद का अपमान भी ना हो इसलिए थोड़ा सा बस एक किण का प्रसाद लेंगे, उसको पाएंगे और उसको पाके हरि भजन करेंगे। तो जय कृष्णदास बाबा जी ने फिर एक और घटना सुनाई कि एक बार एक वैश्या का धन श्री गोविंद देव जी में लग गया था, जब गोविंद देव जी वृंदावन रहते थे, और उसको जिस जिस वैष्णव ने पाया तो उनकी मति रात को उनको स्वप्न दोष हुआ, तो सबने जाके गोविंद देव जी से शिकायत करी कि ऐसे ऐसे। तो गोविंद देव जी ने कहा कि हमने अन्न खाया, आप वैष्णवों ने कहा आपने भोग लगाया इसलिए हमको खाना पड़ा। गोविंद देव जी ने कहा हम में तो पचाने की सामर्थ्य थी इसलिए खा लिया, तुम में थी सामर्थ्य पचाने की जो तुम खा गए, हम में थी इसलिए हमने पा लिया। तो ये सब बातें जब जय कृष्णदास बाबा जी ने बताई तब जाकर के सिद्ध बाबा जी को बात समझ आई क्यों हमारे मन में कामना उत्पन्न हुई। फिर जय कृष्णदास बाबा जी ने कहा आप एक काम करो, आप नंदग्राम के पास एक दोमन नाम का वन है वहां जाके भजन करो। बाबा जी ने कुछ समय वहां भजन किया, कुंड का जल पी करके रहते थे, वहां भी कई लीलाएं, ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ आए, ललिता सखी आई, बाबा को भोजन प्रसाद पवाया। फिर बाबा गोवर्धन में आके रहे और गोवर्धन में एक बड़ा सुंदर लीला घटी बाबा के जीवन में कि एक बार राधा कुंड के तट पे बैठ के ठाकुर जी और श्री राधा रानी का बाबा श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करते करते श्री जी का श्रृंगार करते करते क्या हुआ, तो श्री जी का श्रृंगार करते करते कहीं कहीं लिखा है कि कंगन गिरा और कहीं कहीं लिखा है श्री जी के कान का एक कुंडल गिर गया जल में, पानी में, राधा कुंड। सो महाराज जैसे कंगन गिरा, अब ये सब मानसिक लीला चल रही थी सिद्ध बाबा जी की, मन से सेवा, मन से श्रृंगार कर रहे थे, मन से ही गिर गया कंगन पानी में, और उसको लाने के लिए श्री सिद्ध बाबा राधा कुंड में कूद गए, छलांग लगा दी। अब तो सब जगह हल्ला मच गया, अरे भैया बाबा कूद गयो, बाबा कूद गयो। अब ब्रजवासी तो बाबा ने ऐसे ही बोले ना सीधे तू तड़ाक, अब कोई बाहर का होगा तो श्री श्री महाराज बोलेगा, ब्रजवासी तो ए बाबा कहाँ जा रो है, ए बाबा कहाँ खाएगो, तो उनने ठाकुर जी नहीं छोड़े तो फिर बाबा को तो कहाँ छोड़ेंगे। तो बोला अरे बाबा कूद गए, भैया हल्ला मच गए, सब इकट्ठे हो गए, एक घंटा दो घंटा एक दिन बीता, अब सब ने तो आशा छोड़ दी कि बाबा तो गयो अब ना आएगा वापस। पर बाबा वापस आए, और कब आए जानते हो, 7 दिन बाद आए। 7 दिन बाद बाबा राधा कुंड से बाहर आए, और आश्चर्य देखो अकेले नहीं आए, संग में क्या लाए, जो मानसी सेवा में कंगन गिरा ना वो कंगन श्री राधा रानी का अपना साथ लेकर के, राधा कुंड से वो मानसी कंगन गिरा हुआ सिद्ध बाबा अपने हाथ से लेकर के बाहर आए। इससे और बाबा की सिद्धि बढ़ गई ब्रजधाम में, आहा क्या बात है, साक्षात श्री राधा रानी का कंगन प्राप्त हुआ है। फिर कथा आती है कि बाबा ने अध्ययन, शास्त्र अध्ययन शुरू किया, अध्ययन करते करते फिर क्या हुआ, इनको अध्ययन भजन में बाधक लगने लगा, भजन कम होने लगा, तो फिर जाकर के श्री सनातन गोस्वामी आदि के जो सद ग्रंथ हैं उनका आश्रय लिया, और उससे पता लगा कि
जहां तक अधिकार है वहां तक शास्त्रों का आप अध्ययन करो और हरि नाम करो, तुम्हारे हृदय में अपने आप सब ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। और गोस्वामी जी कृपा से भजन करते 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 बाबा के हृदय में समस्त ज्ञान, ब्रज में जिसको भी कोई समस्या हो सिद्ध बाबा से आके समाधान दे मांगता और बाबा तुरंत समाधान दे देते, ऐसे श्री गिरिराज जी के सिद्ध बाबा हुए।